चॉकलेट लेगा बाबू? हाँ चलो मेरा साथ, तुमको बहुत सारा चॉकलेट देंगे। दस बच्चे का किडनी किसी भी हालत में हमको चाहिए यार। इतना चाहिए इतना? हाँ हाँ। अच्छा उधर देखो, उधर देखो। गांव में लगता है बच्चा बहुत होगा, एक आध गो बच्चा को चपकाना है। अरे भंगा भूसा लुहा देना प्लास्टिक। अरे भूसा उसमें भूसा निकलो। चॉकलेट लेगा बाबू? और लेगा? चॉकलेट और खाने का मन है तुमको? और दीजिए। चलो मेरा साथ, तुमको बहुत सारा चॉकलेट देंगे। चलो जाओगे? चलो चलो। रख दिया इसमें? हाँ ये लो, ये लो चॉकलेट, लो चॉकलेट लो। चलो 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 चॉकलेट। चॉकलेट चाहिए? हाँ। और चाहिए? और एक दो और भी चाहिए? हाँ। इतना चाहिए इतना? हाँ हाँ। अच्छा उधर देखो, उधर देखो। बस एक एक गो तुम कर पाए? पूरा दिन लग गया एक एक गो में। हम भी एक एक गो कर पाए। चलो बॉस को कॉल करते हैं और बात करते हैं, ठीक है? बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। मुँह निकालो, मुँह निकालो। आते हैं। हेलो। हाँ हेलो, कितना बच्चे का इंतजाम? हाँ बॉस, बस दो ही बच्चा का इंतजाम हुआ है। क्या बस दो? अरे हमको दस बच्चे का किडनी चाहिए किसी भी हालत में। बॉस दस बच्चा का तो इंतजाम हो जाएगा, थोड़ा रकम बढ़ा दो। इतना 5,000 में नहीं हो पाएगा, थोड़ा रकम बढ़ाओ ना। बहुत बहुत रिक्सी काम है बॉस। तुम लोग को मोटा रकम मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना दे देंगे हम। हमको 10 बच्चा का किडनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक ठीक है, कोशिश करेंगे बॉस। और हाँ, अगर आज 10 बच्चे का किडनी का जुगाड़ नहीं हुआ तो तुम दोनों का किडनी निकाल लिया जाएगा, समझे? हाँ ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। अरे क्या हुआ? अरे बॉस बोल रहे 10 बच्चे का इंतजाम करो, नहीं तो हम लोग का किडनी निकालेगा। अरे यार क्या करे, खोजना तो पड़ेगा ये बच्चा को। अच्छा अच्छा चलो, ये दोनों का किडनी निकाल लेते हैं, उसके बाद इन लोग को फेंक देंगे नदी में, ठीक है? चलो। अरे बच्चा कहाँ गया? अरे कहाँ गया बच्चा? इतना मुश्किल से दोनों को लाए थे यार, कोई देख लेता तो हम लोग का ही मर्डर कर देता। अब क्या करे, अब क्या करे, सही बात। उधर उधर बॉस भी धमकी दिया, अगर 10 बच्चा का इंतजाम नहीं हुआ ना तो हम लोग का किडनी निकाल लेगा। ठीक है तुम चलो जल्दी जाओ मल्लिकपुर गांव में, हम जा रहे कमालपुर गांव में, ठीक है? और तुम 5 का इंतजाम करो, 5 का हम करें, कैसे भी करके, ठीक है? अभी से बच्चा को यहाँ नहीं जाना है, बच्चा लाना उस बस बट्टी में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। एक कमाड़ी बोले, एक कमाड़ी बोले। चाचा क्या हुआ? किडनी चोर पकड़ लिया था। किडनी चोर कहाँ पे? नहीं गाँव में आया था कबाड़ी वाला, हमको बहुत डर लग रहा है, हम दोनों को पकड़ लिया था, ऐसा करके फुचुक फुचुक मारा था नाक में। नाक में फुचुक फुचुक मारा था? हाँ। वो लोग गया कहाँ ये बताओ, पकड़ने जाएंगे वो लोग को? नहीं पता नहीं कहाँ जो गया, हम अपना घर जाते हैं। अरे बाप रे, बेटा तुम अंदर जाओ,
अब तो इस बात का पूरा गांव वाले को खबर देना पड़ेगा, ना तो कोई भी कबाड़ी वाले का रूम में आएगा, किसी का भी बच्चा लेके जा सकता है। ए सिकंदरा हेलो, अरे जयदीप आ रहा है, जयदीप आ रहा है। अरे का हुआ रे रामचंद्रा, देखो गांव में किडनी चोर आया है, एक कबाड़ी वाले के रूम में हमारा बेटा को ले लिया था और पड़ोसी गांव का एक लड़का को, वो लोग तो पता नहीं कैसे कैसे बच के आ गया, बोले पता नहीं नाक में से फुस डाला था, कुछ बेहोश हो गया था वो लोग। तो कोई भी कबाड़ा वाला आए बच्चा, तुम लोग ध्यान रखना, दौड़ के घर में घुस जाना और अपना अब्बा को बुलाना, ठीक? ध्यान रखना, कोई भी कबाड़ा वाला आया तो पकड़ धो देना धूप, उसके बाद पूछना कि कौन है वो। अपना अपना बच्चा सुरक्षित रखो, घर में रखो, ठीक है? और कबाड़ी वाले पे नजर रखना, ठीक है टकला? तुम्हारा भी बहुत छुआ होता है बार बार मोगी का, अपना मोगी का छुआ को संभाल के रखना घर पे, ठीक है? और कोई भी याद रखना, कोई भी कबाड़ी वाला आया तो पकड़ के मार देना। मांगने तो अच्छा लगता है, अरे आदमी को सारा साल में बच्चा पैदा करता है, हमको सारा छह महीना में एगो दूगो बच्चा पैदा करते है। झोलवा सिकंदर रामचंद्र बेंगवा जो का नाम क्या है, बच्चा का नाम हम खुदे भूल जाते हैं, कैसा बाप है ये, होगा किसी दूसरे का ही। चलो बेटा घर चलो। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले, पंगा टीना लोहा दे दो, बच्चों का चॉकलेट ले लो, हमारा भी जो रोजगार चल जाए भैया ले लो, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ गए मदारी वाले चॉकलेट वाले। कबाड़ी ले लो कबाड़ी। देखो फिर से ही गांव में चलते हैं, यहाँ बहुत सारा बच्चा उस टाइम देखे हो ना, इसी में चलते हैं, यही से बच्चा कितना, तुमको पाँच हमको पाँच उठाना है, ये सब में बोरी में भर लेना, ठीक है? चलो चलो। ए बच्चों खाओ मीठे चॉकलेट, खट्टे चॉकलेट, अचार वाले चॉकलेट, नमक वाले चॉकलेट खा लो, कबाड़ी वाले। हम लोग से पहले कोई कबाड़ी वाला घुसा गाँव में? हाँ वो गाड़ो लोग क्या है। रुको रुको अभी नहीं जाएंगे, क्या पता वो भी चोर हो। एकदम राइट बात, जो खाएगा मजे पाएगा, नहीं खाएगा पछताएगा। ले लो बच्चे आ गए तुम्हारे गांव में खट्टे मीठे चॉकलेट वाले। अरे गांव वाला जल्दी दौड़ो रे, गांव में किड्नी चोर घुसा है, जल्दी आओ रे, पकड़ो खा लो। अरे भाई इसको तो मार रहा है, सच में यार भाग रहे। रुको पहले इसको बहनों खम्मा उठाओ, ठीक है? अरे भैया तुम लोग हमको मार क्यों रहे, हम तो अपने बच्चों के लिए बिजनेस करने आए थे, दो चार रुपए इसमें 200 रुपए कमा लेते, पेट गुजारा चलता। तुम ये बिजनेस नहीं करने आए हो, बच्चा को किडनैप करने का ये प्लान है, चॉकलेट बेचने का। अरे भैया क्या, अरे भैया सुनो सुनो, अरे मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मैं किसी बच्चे को क्यों किडनैप करूं? अरे तुम नहीं करते हो ना भुट्टो, मुख तो लाओ, भैया आप कुछ नहीं किए भैया। अरे हरामी तुम लोग का घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, जो छोटा छोटा बच्चा को तुम लोग किडनी निकाल के हो, यार शर्म नहीं लगता बच्चा में? अरे भैया मारो मदरा, मेरे भी 3-3 बच्चे छोटे छोटे है, उन्हीं के लिए तो कबाड़ा बेच के खाना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, लगता अच्छा नहीं है। अच्छा भैया गलती होता है, आप जाइए जाइए आप घर जाइए, और कभी नहीं आएंगे। मेरा शर्ट फाड़ दिया, मेरा बीवी घर में घुसने नहीं देगा। हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और गाइस ये वीडियो सिर्फ एक मैसेज के तौर पे बनाए हैं, थोड़ा बहुत कॉमेडी भी दिखाए हैं, तो कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा गलत मतलब कुछ लगे तो हम लोगों को छोटा भाई या भतीजा बेटा समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। और जैसे हम लोग इस वीडियो में दिखाए हैं कि हम दोनों कबाड़ी वाला पहले आए बच्चा चोर बन के, तो हम लोग बच्चा चोरी रियल में किए हैं मतलब वीडियो में, और लेकिन जब ये आए कबाड़ी वाला बन के तो ये एकदम मतलब मेहनत करके कमाने वाला बंदा है, लेकिन गांव वाला उसको
बच्चा चोर समझ करके मारने लगे। क्यों? क्योंकि सबका दिमाग में घुस गया है कि कोई भी अनजान व्यक्ति बच्चा चोरी होता है, और ऐसा ना करे क्योंकि गलत होता है। पहले उससे जानकारी ले ले कि सच में वो ऐसा काम किया है या नहीं किया है। अगर वो ऐसा काम करता है तो उसका कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर पुलिस को कॉल कीजिए, लेकिन पहले जानकारी ले लीजिए। गाइस तो हमारा वीडियो देखते रहिए और अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए, बढ़िया से रखिए, ध्यान रखिए। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हल्ला है किडनी चोरी का, तो इसलिए अपना अपना बच्चा को ध्यान रखें। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल छोड़ के नहीं जाए अपने अपने बच्चे को।